हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 25 से भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 को सीखने के लिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमें जो नंबर हमें गिवन है उसके लास्ट टू डिजिट में क्या है। उसके लास्ट टू डिजिट हम देखेंगे कि अगर वो नंबर के लास्ट टू डिजिट 00 है, 25 है, 50 है या 75 है। अगर लास्ट टू डिजिट में ये नंबर हैं 00, 25, 50, 75, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो हमें नंबर दिया जाएगा वो नंबर भी डिविजिबल होगा 25 से। तो इसके समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिससे हमें समझ में आए कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला है 2500। यहाँ पर लास्ट में क्या है? 00। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 25। तो हम कह देंगे इट इज डिविजिबल बाय 25। क्यों? क्योंकि लास्ट में दो डिजिट क्या है? 00 है। अब अगला एग्जांपल है 5050। 50 में लास्ट में क्या है? 00, 25, 50, 75। यस, 50 है लास्ट में। अगर किसी के 50 है, 50 है, तो हम कह सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 25। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, इसमें 5075 लास्ट में टू डिजिट क्या है? 55। तो हमारे को कहा हुआ है 00, 25, 50 और 75 ये होना चाहिए। तो ये इसमें नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो हम कहेंगे इट इज Not divisible by 25। अगला है 7775। यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 75। हमें पता है 00, 25, 50 और 75, ये अगर लास्ट में होता है तो वो डिविजिबल है। तो यहाँ लास्ट में 75 है तो ये भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 25। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है सेकेंडों में, मतलब 1 to 2 seconds के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। एग्जाम में ये ट्रिक काफ़ी हेल्प कर सकती है हमारी। धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।